सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? और अपनी बात को मैं बाद में शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। और हमारे जो बैक ऑफिस है, उस बैक ऑफिस में जूली मैडम ने एक 11:03 पर सुबह के टाइम में और आज एक एस सर की एक पोस्ट को अपलोड किया है और उसमें एस सर की एक वीडियो है। इन टोटल वीडियो वो इंग्लिश में है और कुछ लोगों के मेरे पास कॉल्स वगैरह आई और उन्होंने सर मुझसे पूछा कि सर ये इंग्लिश में वीडियो को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएं। बहुत सारे लोगों ने जो अपने यूट्यूब पे इसकी वीडियो को ट्रांसलेट करके ऑलरेडी डाल दिया है, लेकिन सभी लोगों का समझाने का जो तरीका होता है वो सबका अलग अलग होता है। सभी लोग अपने अपने तरीके से समझाते हैं, लेकिन यहाँ पर एस सर की जो वीडियो है वो मैं बहुत ही इत्मीनान से देखूंगा और कल सुबह जो मेरी वीडियो आएगी वो इसी को पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके, बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपको दूंगा ये। जी हाँ, बिल्कुल एस एन इट इज, कैसे किस तरीके से कहा है, किसके बारे में कहा है, फोर प्लट्स के बारे में उन्होंने बात करी है, वो फोर प्लट्स किस किस तरीके से उन्होंने जो है एस एन इट इसको डिफाइन किया है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको एट इट इज बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। बिकॉज इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वीडियो आधे घंटे की है, 24-25 की वीडियो है, क्योंकि पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, बार बार रिपीट करना, इसमें समय थोड़ा सा लग जाता है और फिर उसके बाद हिंदी में बिल्कुल एज इट इज बिल्कुल उसी तरीके से समरी को तैयार करना, इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। तो कल सुबह जो मेरी वीडियो आपको मिलेगी, आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन होगा या जो भी ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने बैक ऑफिस में जाकर देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने जो अच्छी तरीके से समझ ली होगी और नहीं समझी है तो कल देखेंगे और कल मैं आपको पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके बिल्कुल एज इट इज जिस तरीके से एस सर ने बताया है उसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो के लिए। तो आज का जो बहुत ही एक कॉमन सा जो सवाल लोगों के मन में आ रहा है, कई मेरे पास आज कॉल आई थी, कोई हमें हरियाणा से कॉल कर रहा है, कोई एमपी से कोई कॉल कर रहा है, कोई पंजाब से भी कॉल कर रहा है, यानी कि जिनके पास नंबर है वो कॉल करते ही करते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये होती है कॉल अटेंड करना भी जरूरी होता है। अगर कहीं ना कहीं अगर मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ या कट कर देता हूँ तो, या फिर मेरा मोबाइल फोन स्विच ऑफ जाता है, तो स्विच ऑफ का मतलब ये नहीं है कि वो स्विच ऑफ हुआ है, नहीं, उस समय वो फ्लाइट मोड पर लगा दिया जाता है जिससे कि मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो आप बिल्कुल भी मत समझे, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि मोबाइल मेरा स्विच ऑफ है, कभी भी मेरा फोन स्विच ऑफ नहीं रहता है। जून का महीना हम सब लोगों के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। जून का महीना हम सब लोगों के लिए, जितना हम सोच रहे हैं, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, जितना हमारे एस सर ने बोला है, जितने भी वायदे किए हैं, जितना भी कुछ हमारे बैक ऑफिस में मेंशन है कि जून के महीने में इतना कुछ होगा, जून के महीने में ये सब कुछ होगा, तो बिल्कुल उसी की तैयारी चल रही है, बिल्कुल उसी प्रकार से तैयारी चल रही है जिस प्रकार से कि किसी की जून के महीने में शादी हो और वो डेट नजदीक आ रही हो। तो बिल्कुल यहाँ पे कोई डेट वगैरह तो हमारे पास नहीं है कि हमारा 31 तारीख में या 30 तारीख में या 25 तारीख में क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से हमारा जो फ्री ट्रायल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको लेकर के भी बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं। तो उनसे मैं ये कहूंगा कि इसको आप पैनिक मत होइए, इसको लेकर के पैनिक मत होइए, ये एक हम सब लोगों के लिए एक अच्छी बात है। हम सब लोगों की जो प्रैक्टिस हो रही है, बीटा टेस्टिंग हो रही है, टेक्निकल टीम का काम आसान हो रहा है, हमारे जितने भी बग्स हैं या जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर किया जा रहा है ओ कनेक्ट के माध्यम से, ओ कनेक्ट के अंदर से, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जितना आसान हमारा वो कनेक्ट होगा उतनी ही जल्दी हमारी जो कंपनी है वो और जितने भी प्रोडक्ट है ना उसको पब्लिसिटी देने में हमारा वो कनेक्ट बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करने वाला है। ओके, तो यहाँ पे जून के महीने में आपको बहुत कुछ दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल अभी माहौल जो शांति का जो माहौल बना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैकएंड पे कोई काम नहीं हो रहा है, बैकएंड के पीछे बहुत काम हो रहा है और बहुत सारे लोगों को एपल्स की भी जरूरत है, बहुत सारे लोगों को सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए लोग जो है तैयार बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जून के महीने की 1 तारीख निकल गई, 2 तारीख निकल गई, 3 तारीख निकल गई और आज तो हमारी 12 तारीख भी निकल गई, 12 दिन में क्या अपडेट आई है। लेकिन यहाँ पे जूली मैडम ने अगर एक बैक ऑफिस के अंदर एक छोटी सी वीडियो भी अगर उन्होंने डाली है एस मुफारिज सर की, तो उसका मतलब यही है कहीं ना कहीं एस मुफारिज सर भी जो है कहीं ना कहीं बिजी हैं और वो काम में लगे हुए हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा काम नहीं है जितना आप काम समझते हैं। आज मेरे पास एक कॉल आती है हरियाणा से, तो मेरी लगभग आधे घंटे उनसे बात हुई, तो लगभग इसी के रिगार्डिंग जो है हमने आपस में डिस्कशन किया और डिस्कशन के दौरान बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आई, बहुत सारी चीजें मैंने उनको भी समझाई। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पैसे को लेन देन के संबंध में
जो भी हमारी प्रैक्टिकल चीजें होती हैं उसको लेकर के कंपनी बहुत ही ज्यादा सीरियस होती है। अभी हमारा पैकेजेस स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी हमारे पैकेजेस स्टार्ट होने दो, फिर हम जो ट्रांजेक्शन करेंगे तो इसकी प्रैक्टिकली जो है जांच होती है वो बहुत ज्यादा डीपली जांच होती है। केवल एक दिन में या दो दिन में आप इसकी जांच बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसको आप टेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब हमारे पैकेज स्टार्ट होंगे, आपके पैकेज आप खरीदेंगे, पैकेज आपका उससे कमीशन भी अर्न होगा, तो इस टाइप की जो कैलकुलेशन होती है इसमें भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमारे जो पैकेजेस आने वाले हैं इसके पीछे कुछ और भी चीजें छुपी हुई हैं, जिसको लेकर के बहुत सारे लोग अपने बहुत सारी चीजें जो काम कर रही होती है टेक्निकल टीम। तो क्योंकि अगर एक पैकेज अगर हमारा कल को अगर आ जाता है तो उसके पीछे उस पैकेज को खरीदने से पहले बहुत सारे काम उस कंपनी को करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो जून का महीना है, अभी जून के महीने में काफी दिन बाकी हैं और जून का महीना इस तरीके से नहीं निकलेगा जिस तरीके से हम ये सोच रहे हैं, क्योंकि हर महीने में कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत सारे कमेंट्स ऑलरेडी जो है इस टाइप के आ जाते हैं कि सर हर महीने में बोल दिया जाता है, हर महीने में ये होता है, हर महीना हमारा बड़ा होता है, हर हफ्ता हमारा बड़ा होता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको पता नहीं है कि यहाँ पे किस प्रकार से या किस लेवल से काम हो रहा है, क्योंकि हम सब लोग जो है कहाँ है, हम ना तो टेक्निकल स्टाफ की मदद कर रहे हैं और ना ही हम कोई काम कर रहे हैं, हम सब लोग सिर्फ और सिर्फ बैठ करके अपडेट ले रहे हैं। कुछ लोग अपडेट दे रहे हैं तो कुछ लोग अपडेट ले रहे हैं। अगर आप अपडेट देने का काम भी करेंगे तो ये और ज्यादा आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप अपना भी एक योगदान दे रहे हैं, ऑन पैसिव को और ज्यादा पॉजिटिव बना रहे हैं, ऑन पैसिव का जो माहौल है उसको और ज्यादा पॉजिटिव बना रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि यहाँ पर जून का महीना है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, डेफिनेटली ये खाली नहीं जाएगा जून का महीना, यहाँ पे बहुत कुछ हम सब लोगों को जरूर 100% नजर आएगा। लेकिन हो सकता है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा हम सब लोगों को इस जून के महीने में देखने को मिले, ये भी हो सकता है। ओके, तो ये भी हो सकता है, इस जून के महीने में बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए ये जून का महीना जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और पैकेजेस की बात हो गई, हमारे सब्सक्रिप्शन की बात हो गई, या हमारे ओ ट्रैकर या ओ कनेक्ट की बात हो गई, या हमारा जो 14 डेज 7 डेज का फ्री ट्रायल जो बढ़ा दिया गया है, टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है, इसकी बात हो गई। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे नए यूजर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि सही टाइमिंग का भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है किसी भी बिजनेस को शुरू करने में। जब भी हम कोई भी चीज शुरू करते हैं तो सही टाइमिंग का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि अगर हम सही टाइम पे कदम नहीं रखते हैं तो वहां पे हमारा बिजनेस पूरी तरीके से बिखर सकता है। इस समय जो मैं अपने एंगल से सोच रहा हूँ हर कंपनी के अंदर एक चीज होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ मिलके काम करते हैं, वहां पे एक जो रेवेन्यू होता है जो बहुत सारे लोगों में जब डिस्ट्रीब्यूट करने की जब कंपनी बात करती है तो वहां पे कंपनी के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कह सकते हैं या बहुत बड़ा चैलेंज कह सकते हैं, वो फेस करना ही पड़ेगा, वो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जी हाँ, ध्यान रखना इस बात के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हर एक कंपनी के लिए, जहां पे जो रेवेन्यू होता है वो बहुत सारे लोगों में जो बांटा जाता है, बहुत सारे लोगों को दिया जाता है। अभी तक तो हम जो है इस टाइप की कंपनियों में काम कर रहे थे, जो MLM टाइप की कंपनियां होती हैं उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, लेकिन अभी कोई IT कंपनी निकल करके नहीं आई है जो अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी लेके आए। ये पहली कंपनी है जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेके आ रही है, और इसमें हम सब लोगों के साथ साथ जो है हमारे यूजर्स हैं, हमारे रीसेलर्स हैं और हमारे बहुत सारे और भी लोग हैं, उन सभी में एक अच्छा खासा बिजनेस, जैसा जैसा बिजनेस होगा उसी की तरह हमारा एक रिवेन्यू जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा हमारी कंपनी के सामने, तो इसको थोड़ा सा पेशेंस लगा करके आप ध्यान रखें, सोचें समझें कि एक क्या प्रोसेस है जब हमारे अकाउंट के अंदर या हमारे वॉलेट के अंदर एप्पल्स आएंगे, उससे पहले की और क्या क्या प्रोसेस हो सकती है। जो आप इन चीजों के बारे में आप सोचोगे तो आप बहुत बहुत ज्यादा अंदर से खुशी महसूस करोगे कि हम वास्तव में कंपनी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। तो यहाँ पे हमारे जो जून का महीना है बाकी बहुत बहुत बेहतरीन होगा। हमारा मई के महीने में क्या हुआ, उससे पहले अप्रैल के महीने में क्या हुआ, मार्च के महीने में क्या हुआ, हर महीने में कुछ ना कुछ अलग हुआ है, तो इस महीने में भी बहुत कुछ अलग होगा जो हमें एक अलग सी हैप्पीनेस जरूर देगा। ओके, स्टे ट्यून, आप स्टे ट्यून रहिए और बैक ऑफिस पर नजर भी बनाए रखिए, और हमारे चैनल पे हैं, पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे हम आपके सामने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा लेकर के आते रहते हैं। और कल सुबह जो जूली मैडम ने पोस्ट डाली अपने बैक ऑफिस के अंदर,
इसका पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं कल सुबह जो मेरी वीडियो आने वाली है मैं उसी में ही आपको ये पूरा समरी आपको हिंदी में समझाने वाला हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ सुबह 7:30 बजे, 6:30 से 7:30 बजे के बीच में इसी टॉपिक के साथ, यानी कि जो हमारे एस मुखार सर की वीडियो आई है इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दिखाने वाले हैं। आज मैं बताने वाले हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है जिससे कि आपको एक नई और एनर्जी मिलेगी, क्योंकि सुबह की वीडियो एक नई एनर्जीफुल होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वी आर सो इन इट टू विन इट।